नंबर थर्ड, फाइंड द मिसिंग वैल्यू. सेकंड की तरह ही है, बस इसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. उसमें था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. और सी वाले में वही मैं कर रही हूँ, बी और सी, ए होमवर्क में है. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका है बेस इनटू हाइट. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया है, बी में कितना दिया है 1 2 5 6 1 2 5 6. फिर 1/2 वैसा का वैसे ही लिखेंगे. अब बी वाला कर रहे हैं, इसमें हाइट दी हुई है, बेस हाइट कितनी दी है 31.4. तो आपको क्या करेंगे, 1 2 5 6 इक्वल टू आपको क्या होगा 31.4 बी अपॉन 2. अब यहाँ पे काट कर दीजिए, देन से 2 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14. और 2 से करके 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 जा 3. ठीक है, अभी आपका आ गया 1 2 5 6 इक्वल टू 15.7 बी. अब बी को आप किधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू बी 15.7. अभी आपका इस साइड आ गया. अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 2 5 6 1 5 7. ये डेसिमल जब रिमूव करेंगे यहां से तो यहाँ पे ऊपर 10 हो जाएगा, इक्वल टू आपकी बी, आपका पूरा सम. अब देखिए अभी किससे कट रहा है, ये 157 और 10, ये कोई एक नंबर नहीं है जिससे आपका ये कट हो जाए. तो आप क्या करेंगे, इसमें 157 का आप इसमें डिवाइड लगा देंगे. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1257 का 10 से करा तो आ जाएगा 1 2 5 6 0, देन 157 आपने बी डिवाइड किया. और 157 आप मल्टीप्लाई ऐसे करके देख लीजिए, 1 का 1 में 157, 2 से करेंगे तो 157 8 जा 8, 7 जा 56, 5 8, 5 जा 40 और 5 45, 4, 8, 1 जा 8, 9, 10, 11, 12. तो आपका क्या है 12 5 0, कितना आया 12 5 0. तो आपने कट किया 157 जा 157 एंड 157 8 जा 1 2 5 0 और 0 का 0 आया. तो आपकी जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 80, बी 80 सेंटीमीटर. यहाँ पर क्या है, आपको किसी से कट नहीं हो रहा है, 157 इज अ प्राइम नंबर, इट विल नॉट कट, हियर इज अ कंपोजिट नंबर. तो ये कट हो सकता है पर ये दोनों ही कट होना जरूरी है. तो आप 157 की पूरी टेबल करके ऐसे 27 जब 14 मल्टीप्लाई करके टेबल बना के 27 जब 14, 2 5 जब 10, 11, 2 1 जब 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके आपने पूरी टेबल बनाना है. तो आप 6 जब आप जाएंगे 8 पे तो आपका ये कट हो जाएगा. नाउ सी पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे कितना दिया है 170.5 इज इक्वल टू 1/2, और इसमें बेस दिया है 22 इंटू हाइट. आपने कहा 2 से 2 बन जाए 2, 11 आ गया. तो 170.5 इज इक्वल टू 11 h. अब ये डेसिमल है आपका यहाँ पर, तो आपने 1705 यही है ना, हाँ, तो आपने रिमूव किया, आपका हो गया नीचे 10 और ये आपका 11 है. तो ये वेरिएबल को लीव करके इसके पास 11 आ जाएगा. अब इसको कट करना है आपको, किसे कट करनी है, 2 से काट दीजिए, 2 से 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16, 2 से नहीं 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 में से 5 है 2, 5 4 जा 20, 10 5 1 जा 5, 3 4 1. अब 3 4 1 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका आएगा 3 4 1 अपॉन 22. कितना आएगा 3 4 1 अपॉन 22, एच आया. अब एच का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 3 4 1 एच में डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 22 3 4 1, तो कितना 22, फिर 2 जा कितना होता है 44 और 3 जा 66 होता है, तो आप क्या आएंगे 2 बार, तो कितना आएगा 2 बार भी नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 1 बार, तो 22, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 1. अब 121 कितनी बार में आपका आएगा, 3 में 66, 4 में 4 2 जा 8, 4 5 में कितना आता है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11 110, तो 5 बार में देंगे 110, देन आपने 1 आया, फिर आपका कितना आया 1 आया, डेसिमल लगाया आपने, फिर 110 5 में दिया 110, तो आपका आंसर कितना आया 15.5. तो ये आपका आंसर है, आंसर आया 15.5 सेंटीमीटर.
ये इसकी क्या आई, हाइट आई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीटेड।